अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज अज़ीम शहज़ाद। वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आई होप कि आप सब ठीक ठाक जबरदस्त होंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर लाजमी कर लें। और इधर रहे ये दो नमूने, क्या कर रहे हो ये हैं? ये शहरी ने अपने हाल देखी, तुम्हारी पेंट भी उतर रही है। ये क्या किया हुआ है सारा? ये ना इनको मट्टी मिली है देखने को। इसने अपने पेंट का ये असर कर लिया है। तेरे अभी ना मम्मा तेरे छितर पड़ने हैं ना, तो जो ना उसके मुंह में चली जाएगी, मुंह में चली जाएगी, मुंह में ना डाल उसके। मम्मा के खुद खेल लो। क्या मम्मा के खेल लो? अच्छा कह, फिर एक ही बार ब्रश से नलाएंगे है ना। तो घर में यार डलवाई थी मट्टी इस ताकत की, क्योंकि ने इसको लेवल करना है। तो मट्टी ना बिल्कुल बड़ी नरम नरम सी ना, फ्लफी फ्लफी सी है, तो इनको मिली है। ये तेरे सर में लग गया, तो तेरा सर छोटा हो जाना है। तो इन्होंने ना अपने डेरे डालनी है। हम भी अपने टाइम में ऐसे खेलते थे मट्टी में, जब बहुत ज़्यादा मट्टी आती थी ना, तो बड़ा मज़ा आता है खेलने का एक दूसरे को। वो ना ऐसे मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखें हमारे तो दिन नहीं ऐसे। ये देखें बिल्कुल, क्या कह रहे हो? हमारे तो दिन नहीं ऐसे। ये किसने तुम्हें बताया है? क्या छोटे होकर यही करना होता है? वाह जी, ये तो बड़ा पता तुम्हें है। एग्जाम्स हो गया तुम्हारे? अभी होने। अभी कब होने? सैटरडे। अच्छा, मैंने आज व्लॉग ना काफ़ी लेट स्टार्ट किया। टाइम में आपको बताऊं तो 3 बज गए हैं। प्लान नहीं था, लेकिन मैंने सोचा चलो शुरू कर लेते हैं, रूटीन अपनी वो ना डिस्टर्ब नहीं करते। ज़ुरैल तुम्हें घर बनाना आता है? कैसे? ऐसे ना पांव रखते हैं मिट्टी के अंदर। अच्छा, अच्छा, कैसे वाला? ये कैसे, ये कैसा पांव अंदर? सही से डालो ना मिट्टी और डालो। ये देखो पेंट की, इसने तो ये इसने इधर से फाड़ भी दिया। अब देख करी मामा पिटाई करेगी। इधर मुंह दिखा, मुंह देख सारा गंदा किया हुआ है तूने। लेट ले, लेट ले। अब आराम से पाँव निकालो, आराम से नीचे से। हाँ टूटना नहीं चाहिए। ये हम बनाते थे, टूट जाता तो कहते थे हम घर नहीं बना सकेंगे। ये जी एक बनाने वाला और एक तोड़ने वाला, दोनों सेम है। आपको मज़े की बात बताऊं कि 2 दिन हो गए हैं मैंने गाड़ी वॉश की थी, और उसके लिए जो कपड़े मैंने यूज़ किए थे वो अभी तक इस बाल्टी में वैसे के वैसे पड़े हैं, और उनका अभी तक धोया भी नहीं है। इसके ऊपर मैंने ग्लास लगवाया था कुछ दिन पहले। तो यार म्यूज़िक चला, म्यूज़िक बंद कर लूँ, कॉपीराइट आ जाता है। तो ये देख रहे हैं साइडों से फिर से ये वाला, ये बबल्स बन गए हैं फिर से। सीन कुछ यूँ हुआ कि पहली बार लगवाया तो वो लड़के ने लगाया तो वो सही लगा ही नहीं, तो वो वैसे वेस्ट हो गया। वो मैंने ना मतलब वैसे उतार के फेंक दिया, कुछ दिन वैसे चलाया। फिर दोबारा मैंने पिछली कुछ एक वीडियो में दिखाया भी था, मैं फिर लगवाने गया, उसने लगाया तो सही, लेकिन आई डोंट नो इसको क्या हुआ, ये मुझसे गिरा है 2-3 बार। ये मैं अदरवाइज़ मुझे इस पर ना ये प्रोटेक्टर लगवाने की ज़रूरत नहीं है, और मुझे अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन ये मुझसे बहुत गिरता है, बहुत ज़्यादा गिरता है। हर हफ्ते ही इसका मैं ग्लास प्रोटेक्टर चेंज करवा रहा हूँ, और इसका फ़ायदा ये होता है कि स्क्रीन इसकी बच जाती है, तो इस वजह से मजबूरन मैं लगा के ही इसको रखता हूँ। और ये क्या हो गया, आज मैं आपको मिलवाता हूँ जी चिंकी से। चिंकी अब हो गई है बड़ी, इतनी भी नहीं लेकिन हो गई है, काफ़ी टाइम हो गया। जब पैदा हुई थी तब दिखाई थी, अब तो और भी क्यूट हो गई है। ये रही, ये अब चारा भी खाती है, ये चारा, ये देख रहे हैं छोटा छोटा चारा। हाउ आर यू चिंकी, हाउ आर यू, हाउ आर यू? देखा अब नहीं डरती ये, अब यूज़ टू हो गई। मैंने कहा था ना जैसे जैसे बड़ी होगी यूज़ टू हो जाएगी, और फिर ये नहीं डरेगी। ऐसे 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 क्यूट बेबी, क्यूट 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 क्यूट। हाँ जी। खाओ, ये लो खाओ, नाराज बैठी हो, खा लो, ये लो ये लो ये लो। इधर इसकी जो है ना अम्मा जी मस्त खा रही है अपना चारा, दूध भी तो पिलाना है ना फिर इसको। ऐसे ही है, माँ के साथ नहीं खा ले, माँ के साथ नहीं खा रही, नाराज़ हो। मुंह तो ऐसे पीछे कर लेती है जैसे नाराज़ है मुझसे। अच्छा नहीं मैं जा रहा हूँ, ठीक है। हाँ जी गाइस, तो शाम हो गई है, और आज ना बहुत ही कोई बोर मेरा दिन गुजर रहा है, और अम्मा भी अभी पत्नी तैयार होकर बैठी, किधर जा रही हैं? बुखार आई मेरे, अच्छा। मैं पता करना, पता ही मेरे दिया।
तो अम्मा भी जा रही हैं अपने भाई के घर, उनको भी बुखार है, मौसम तब्दील हुआ है, सबको एक बार ना बुखार हो रहा है। ये होता है, ये ना एक जनरल सा इफेक्ट है कि जैसे ही अचानक से सर्दी से गर्मी आने लग जाती है ना, तो मतलब कि हेल्थ इफेक्ट्स पड़ते हैं। तो अम्मा कह रही हैं कि भाई की तबीयत ख़राब है, उनको भी पूछा था, इकलौता भाई है अम्मा जी का, तो उधर जा रही हैं और साथ में ही मतलब हमारे मामू हुए ना, तो साथ में ही समझ लो मेरा जो कज़न है उसकी आँख में कुछ लगा है, तो वो उसको भी पूछ के आएंगे। तो मैं तो कोई एक और फरमाइश ले के बैठा था, आज ना मैंने खाने हैं आलू। अच्छा, आलू पड़े हैं ना घर। हाँ जी। तो चिप्स बनानी है आज। चलो बना दे। रात के खाने में चिप्स खाऊंगा, आज रोटी नहीं खाऊंगा। चलो शाम में तुम बना दे। अच्छा, तो डाइट कर ली बहुत, तो आज मैं बोर हो रहा हूँ, आज कोई डाइट नहीं, कोई कुछ नहीं, थक गया हूँ मैं डाइट से ना। आलू मेरा ना दिमाग खराब कर दिया मेरा, आलू ना मैं रोजाना यही सोचता हूँ कि आलू कब खाने में तो आज खाऊंगा जी मैं चिप्स। और आज दिन क्या है, आज जुमेरात है। हाँ जी, आज जुमेरात। तो खांसी मेरी ना फिर होने लग गया, मैं रात के टाइम होती है, पता नहीं ये क्या मसला है। नहीं, दिन को सारा दिन नहीं होती, मतलब बातें करते रहो ना तो फिर नहीं होती, रात को थोड़ी थोड़ी होने लग जाएगी, फिर शरबत पीता हूँ फिर नॉर्मल हो जाएगी। शरबत मजे की बात बताऊँ, मैंने सिर्फ एक बार पिया जब से लेकर तो आज शरबत भी अभी भी पीता हूँ, फिर सोते वक्त भी पी लूंगा। हाँ जी, ठीक ही हो गया, बस फिर टाइम नहीं मिला ना, यू नो बिजी मैन। चले आप हो आए, फिर आज फिर बनेगी चिप्स और चिप्स खाएंगे। आज का दिन सारा ना घर में गुजरा, तो मैंने ना बहुत सोचा आलू के बारे में, तो फिर मैंने यही कंक्लूजन निकाला है कि आज आलू खा लिए जाए। जैकेट मैंने पहन ली है क्योंकि ना अभी है बाहर सर्दी, रात हो गई है, रात नहीं मतलब शाम कह सकते हो, और अभी बज गए हैं तकरीबन 6:15 का टाइम है। तो आलू तो मैंने खाने ही खाने हैं, उस चीज़ को तो मैं इग्नोर नहीं कर रहा, लेकिन वॉक भी मैंने लाजमी करने जाना है। तो अभी मैं बस वॉक के लिए निकल रहा हूँ, 10 से 15 मिनट या 20 मिनट तेज़ तेज़ जो है ना रनिंग नहीं करूँगा, वॉक करूँगा, इसलिए मैंने ये वाली जैकेट पहन ली है। तो अभी बस ना मैं वॉक के लिए निकल आया हूँ, और गर्मी आने की सबसे बड़ी निशानी मैं आपको बताऊँ ना, तो वो है जी ये रोशनी। अदरवाइज़ अभी 6:15 हो चुके हैं, और इस टाइम सर्दियाँ जब होती थी ना, मतलब कि जनवरी का महीना या दिसंबर का महीना, फुल अंधेरा, कुछ नज़र नहीं आता था, लेकिन अब 6:15 हो चुके हैं और अभी तक भी फुल लाइट है। और अभी तो वो टाइम भी आना है गर्मियों में जब 7:30 तक भी दिन होगा, अच्छी खासी गर्मी होगी। आ है सोच के भी डर लग रहा है, रोशनी से नहीं लग रहा, गर्मी से डर लग रहा है। तो अभी मैं ना बस थोड़ी देर वॉक करता हूँ, उसके बाद फिर वापस घर चलूँगा। बाकी बहुत प्यारा मौसम है इस टाइम वॉक करने के लिए। तो घर में वापस आ गया हूँ, और भाई मुनावर ने आज शॉप भी टाइम से बंद कर दी, नहीं बंद नहीं की, बस शटल नीचे किया हुआ था, शायद घर गए, आ जाएंगे थोड़ी देर में। तो मैं चलता हूँ घर, लाइट चला दो, लाइट चला दो, गुड। तो रात हो गई है और अभी टाइम हुआ है हमारा चिप्स बनाने का, आलू भी हमने मसाला वगैरह वो लगा के रख लिया है, डाले मजे गर्म हो गया, वो तो रहा है और कितना हो, ऑयल हमारा गर्म हो गया है, और अब हम बना लेते हैं जी जल्दी जल्दी। बहुत इंतज़ार किया है इस चिप्स के लिए ना। ये 1.5 हफ्ता हो गया मैंने नहीं खाई, आज खा रहा हूँ। नहीं तो पहले ऐसे होता था कि हम रोज़ाना चिप्स बना के खाते थे, और अब हफ्ते में एक बार बनती है। अच्छा, मेरा ना ये मेरी बेसब्री बड़ी है कि मैं चाहता हूँ जब डाल दो ना ऑयल में तो उसी वक्त बन जाए। इंतज़ार नहीं होता हूँ इसे। हाँ जी, तो फाइनली मैं ले आया हूँ अपनी फ्राइज, साथ में रायता, साथ में केचप, हाय हाय हाय, मैं कहता हूँ मज़ा ही आ गया। ऑयली तो है लेकिन अभी ये ना ड्राई हो जाएंगी, थोड़ी देर पड़ी रहने देता हूँ, गर्म है ना अभी, बिल्कुल अभी कढ़ाई में से निकाल के लाया हूँ। तो फाइनली जो है ना दिल की मुराद पूरी हुई। मजाक कर रहा हूँ यार, कोई आलू है और कोई ख़ास चीज़ नहीं है। तो हमेशा की तरह मुँह में आ गया जी पानी,
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ओए हो बहुत गर्म, बहुत गर्म है। ठंडी करके खाते हैं और इन्जॉय करते हैं। और आज की वीडियो को कहते हैं जी ख़त्म। आज की मेरी वीडियो चिप्स पे ख़त्म हो रही है। इसके बाद मैं नहीं बना पाऊँगा, और मैंने ना ढेर सारी चिप्स दे दी है, लेकिन मैं खा जाऊँगा, कोई मसला नहीं है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर लाजमी कर लें। और टिल द नेक्स्ट वीडियो अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, पीस आउट एंड अल्लाह हाफिज़। और मैं खाता हूँ अब बैठ के चिप्स।